दादरा नगर हवेली के भाजपा पीर नेता के बंगला में अचानक पहुंची पुलिस। सिलवास नगर पालिका प्रमुख राकेश सिंह चौहान के बड़े भाई फतेह सिंह चौहान, जो भाजपा के पीर नेता है और पालिका के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी है, उसके हवेली स्थित निवास स्थान पर देर रात 10:30 बजे सिलवास पुलिस अधिकारी एवं जवानों सहित 20 पुलिस कर्मी अचानक बंगले में घुस गए, जिसके बाद बंगला की तलाशी लेने लगे। फतेह सिंह चौहान के बंगले में गेस्ट रूम से लेकर बाथरूम तक की तलाशी ली गई। हालांकि इस समय फतेह सिंह के घर पे कोई भी नहीं था, जिसके बाद पुलिस टीम सिली की जमीन विवाद को लेकर आई थी, यह जानकारी मिली। कल रात को सिलवासा के मामलतदार श्री टीएस शर्मा ने हमें एक कंप्लेंट दी थी कि हवेली एंटरप्राइज के प्रोपराइटर मिस्टर फतेह सिंह चौहान, इन्होंने सन 2009 में एक जमीन का सौदा किया था। उनके कंप्लेंट में 3 ट्राइबल लोगों के नाम दर्ज है कि उनसे जमीन ले ली थी और उस जमीन के सौदे में कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पेश किए थे। इस टाइप की कंप्लेंट मामलतदार साहब ने थाने में दी थी, तो कंप्लेंट को देखते हुए हमने FIR नंबर 184/17 अंडर सेक्शन 420, 468, 471, 120 BF IPC और सेक्शन 3 ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन दमन के SDPO श्री रविंदर शर्मा जी कर रहे हैं। इसमें ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जैसे ही एविडेंस आएगा वैसे अरेस्ट होगी। कल हमारा स्टाफ अक्यूज के घर पे गया भी था, बट ही इज एब्सकॉन्डिंग एंड ही इज नॉट ज्वाइनिंग इन्वेस्टिगेशन, ही इज इवेडिंग इन्वेस्टिगेशन। सो वी आर लुकिंग टू ट्रेस हिम।